हमजा तहसील के महलगांव स्टडी सेंटर पर स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बपेरा महलगांव में इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता यादवराव बोरकर के प्रयासों से स्टडी सेंटर चालू किया गया था, जहां 10 सालों में तकरीबन 150 के पार युवा सरकारी नौकरी हासिल करने में सफल हो चुके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंतिम छोर मध्य प्रदेश की सीमा बपेरा गांव और आसपास के अन्य गाँवों में परिवर्तनवादी विचारधारा से शिक्षा की क्रांति लाई गई, जिससे कई गाँवों से गरीब पिछड़े वर्गों के घर से युवाओं को सरकारी नौकरी लगाने की मंशा साकार हुई। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले बपेरा और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले महलगांव में अभ्यास केंद्र खोलने में आए और इसी का फलस्वरूप रेलवे, पुलिस, नेवी, वन विभाग ऐसे कई विभागों में यहां के युवा नौकरी कर रहे हैं, जिसे एक मसाल कायम जलाने का काम हुआ है। हर साल की तरह दिवाली के बाद महलगांव में मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें पढ़ाई कर रहे युवाओं को मार्गदर्शन कर आगे बढ़ने की सीढ़ी के बारे में बताया जाता है। यहां एक नई आइडिया अपनाते हुए पे बैक टू द सोसाइटी और अडॉप्ट पॉलिसी इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस लक्ष्य को साकार करने में सफल होने की बात यादवराव बोरकर ने की। इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय, समता, संवैधानिक लोकतंत्र, इनकी भूमिका कैसी हो, ऐसे विषय पर चर्चा करने में आई। इस आंदोलन के उद्घाटक यादवराव बोरकर, परिवर्तनवादी सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र कटाने, पारस भुसारी सरपंच, विशेष मार्गदर्शन में सिहोरा पुलिस थाने के थानेदार नारायण तुरकुंडे, धनंजय बंजारी, संयुक्त निदेशक राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर महेंद्र गजबीये, उप शिक्षण अधिकारी भंडारा राकेश भोजार, नीलेश डाहट, जीतू पटले रेलवे, श्यामलाल शाहरे और इस अभ्यास केंद्र के माध्यम से यश प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और क्षेत्र के छात्र और ग्रामवासी मौजूद थे। भंडारा से बीसीए न्यूज के लिए जितेंद्र पटले की रिपोर्ट।